में आपका बहुत बहुत स्वागत है। BES 127 अधिगम हेतु आकलन द्वितीय वर्ष BED के 23 से 24 सेशन के लिए जो आपका असाइनमेंट का प्रश्न का उत्तर मैं आपको इस वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि जो मेरे चैनल में प्रथम आए हैं, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करिएगा। प्रश्न यह है, शुरुआत करते हैं। प्रथम प्रश्न का वो हम पढ़ते हैं। अधिगम का आकलन AOL अधिगम के लिए आकलन AFL और अधिगम के रूप में आकलन AAL की अवधारणा में उपयुक्त उदाहरणों द्वारा अंतर स्पष्ट कीजिए। इन लोगों के बीच में उदाहरणों द्वारा अंतर स्पष्ट करना है, इसका उत्तर लेकर चलते हैं। अधिगम का आकलन एवं अधिगम हेतु आकलन पाठ इकाई 2 का 4 भाग में आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। अधिगम का आकलन एवं अधिगम हेतु आकलन, ये जो पूरा आप देख पा रहे हैं, यहाँ से आप इन को पढ़ने के बाद आप अंतर उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कर सकेंगे। आपका अंतिम यहीं तक है। यहाँ तक आप पहला प्रश्न का उत्तर आपको देखकर 500 शब्दों में लिखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। परीक्षण की विश्वसनीयता के अवधारणा की व्याख्या कीजिए। परीक्षण, पुनः परीक्षण, टेस्ट, रीटेस्ट और समानांतर समुल्य समतुल्य रूप पैरेलल फॉर्म विधियों का प्रयोग करते हुए परीक्षण की विश्वसनीयता निर्धारण के लिए प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। चलते हैं उत्तर की तरफ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मूल्यांकन के प्रभावी उपकरणों के आवश्यक मानक में विश्वसनीयता जो है उससे से संबंधित आपको प्रश्न पूछा गया है। यहाँ से आप शुरू करिएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए विश्वसनीयता की विधियाँ एवं तकनीक जो दिया हुआ है उसमें से परीक्षण, पुनः परीक्षण, विश्वसनीयता और इसके बाद समानांतर स्वरूप विश्वसनीयता, ये दो टो का ही प्रश्न का पूछा गया है जिसे आप लिख सकेंगे उत्तर के रूप में। ये आपका यहाँ तक आप देख सकेंगे। आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों के परिणामों का विश्लेषण करने के लिए विभिन्न प्रकार के आलोकों यानी ग्राफ के प्रयोगों के उपयुक्त उदाहरणों द्वारा परिचर्चा कीजिए। उत्तर की तरफ चलते हैं। ये आपके पाठ 13 इकाई के 6 का 3 भाग में आपको मिलेंगे आलेख और आलेखीय निरूपण के प्रकार, जिसमें आपको प्रकार बहुत तरह के चित्रलेख, दंड आलेख या दंड चित्र, वृत्त अथवा पाई आलेख चित्र या रेखा चित्र के बारे में आप जानेंगे। यह प्रकार भी है जिसको आप, ये सारे चीज़ें आपको नोट करने हैं अच्छी तरह से और डायग्राम भी बनाना है जिसे आपको यहाँ तक उत्तर में लिखना है। आप अपने हिसाब से 500 शब्दों में इसको करना है, बस इसके अंदर में आपको उत्तर मिल जाएंगे। तो इस तरह से मैंने आपको BES 127 का पूरा ही प्रश्न का उत्तर जो बनेगा उसको मैंने संभावित दिखाने की कोशिश किया हूँ। अच्छा लगा हो वीडियो तो जरूर से जरूर चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। आप सभी का पूरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।